पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी दीवानगी अभी भी उनके फैंस पर बरकरार है। दरअसल ये दीवानगी सिर्फ मूसेवाला के फैंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पिता बलकौर सिंह भी सिद्धू मूसेवाला के सबसे बड़े फैन हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने हाथ पर मूसेवाला की तस्वीर का टैटू बनवाया है। दिलचस्प बात यह है कि मूसेवाला ने मरने से पहले कई बार अपने गानों में कहा था कि उनके मरने के बाद लोग उनका टैटू बनवाएंगे, और इसे ही शायद सेलेब और फैंस के बीच का कनेक्शन कहा जाता है। लेकिन मूसेवाला ने यह अंदाजा कभी नहीं लगाया होगा कि उनके सबसे बड़े फैन उनके पिता ही होंगे। मूसेवाला के पिता ने अपने हाथ पर सिद्धू का टैटू बनवाकर उन्हें खास तरीके से श्रद्धांजलि दी है। दरअसल मूसेवाला के पिता बलकौर ने मूसेवाला के चेहरे को अपनी कलाई पर गुदवाया है, और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं मूसेवाला के फैंस के लिए ये पल बेहद ही भावुक करने वाला है, क्योंकि एक पिता अपने बेटे की याद में अपनी कलाई पर उसका टैटू गुदवा लेता है, और इस टैटू की दिलचस्प बात यह है कि टैटू में मूसेवाला के सिर पर पगड़ी और हाथ में बंदूक दिख रही है। साथ ही मूसेवाला का सोशल मीडिया अकाउंट भी उनके पिता ही चला रहे हैं, और तो और फैंस ने कमेंट करके मूसेवाला के पिता से गुजारिश की है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहें, ताकि फैंस को उनकी कमी न खले। आपको बता दें कि 29 मई को मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, और इस पूरे कांड में कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। हालांकि अभी लॉरेंस पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस के मुताबिक जब लॉरेंस तिहाड़ जेल में था, तो उसी दौरान जेल के भीतर ही उसने मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी।